तो दोस्तों ये जो गाड़ी आई है स्टार्टिंग प्रॉब्लम इशू में आई है एंड इसके इंजन की हालत देख लीजिए। ऐसा लग रहा है कि बहुत दिनों से खड़ी थी ये गाड़ी। ये देख रहे हो इसके इस पर एयर फिल्टर के इसके कनेक्टर पे, यानी ये एयर फ्लो सेंसर का कनेक्टर जो है निकला हुआ था। ये भी मैंने अभी बोनट खोल के ही चेक देखा था तो ये लगा दिया। इशू ये है ये गाड़ी क्रैन से खींच के आई है एंड स्टार्टिंग प्रॉब्लम का इशू। इंजन कुछ भी नहीं कर रहा है, जब हम क्रैंकिंग करते हैं ना सिस्टम चाबी लगा के ऐसे, कुछ भी मतलब एक्टिविटी नहीं कर रहा है। मैं आपको दिखाता हूँ ज़रा एंड आपको सही तरीके से आज इसका प्रॉपर डायग्नोसिस क्या इशू इसमें आया होगा। देखिए इग्निशन ऑन है पहले ही, ठीक है ना। आपको क्या करना है, मैं आपको क्रैंकिंग करके दिखा रहा हूँ एक दो बार, ठीक है। ये नहीं हो रहा, मतलब इंजन में कोई इम्प्रूवमेंट नहीं हो रहा। मैं यहाँ से इसको ऐसे क्रैंकिंग करूँगा, आप यहाँ भी देखना कुछ नहीं हो रहा। मैं इग्निशन ऑन ऑफ कर रहा हूँ, ठीक है, या क्रैंकिंग भी कर रहा हूँ, नहीं हो रहा। आपको ये क्रैंकिंग करने से पहले यहाँ ध्यान रख लेना है, मैं बताना भूल गया, न्यूट्रल चेक कर लेना है, हैंड ब्रेक अप्लाइड होना चाहिए ऐसी कंडीशन में, ठीक है। तो यहाँ तक तो समझ में आता है, गाड़ी का इग्निशन ऑन भी हो रहा है, ठीक है। एंड अभी इसमें फॉल्ट क्या आया है, गाड़ी मतलब प्रॉपर जो है इंजन क्रैंकिंग करने पर, मतलब वहाँ से हम इग्निशन स्विच से क्रैंकिंग कर रहे हैं तो ये कुछ एक्टिविटी क्यों नहीं कर रहा है। तो मे भी हो सकता है इंजन में लीक हो गया हो, आपको छोटी छोटी चीज़ें चेक कर लेनी है, ओवर हीट होके सीज तो नहीं हो गया है वो तो बाद की बात है, बट सिम्टम्स के अकॉर्डिंग चेक करना चाहिए इंजन, ठीक है। एंड सबसे पहले इंजन ऑयल लेवल इसका चेक करना है आपको, सॉरी इस तरफ से तो इंजन ऑयल डलता है एंड यहाँ से गेज पे इसका लेवल चेक कर लें। तो इससे इंजन ऑयल इसका दिख रहा है यहाँ तक ओके है, ठीक है। तो इसका मतलब इंजन ऑयल में कोई इशू नहीं है, बट ब्लैक हो गया है वो बहुत ज़्यादा ख़राब हो गया, तो उसको चेंज कराना ज़रूरी है। एंड कूलेंट बोतल की हालत देख के तो ऐसा लग रहा है जैसे कूलेंट भी इसके अंदर डला ही नहीं है कभी, ठीक है। तो ये देखिए इसके अंदर भी कूलेंट की कोई भी मात्रा नहीं दिख रही, मतलब पानी पानी है एंड काला काला इसके अंदर दिखाई दे रहा है। हो सकता है इसका जो ये EGR कूलर है ये ख़राब हो गया हो, इसके अंदर इशू हुआ गया हो, क्योंकि ये सॉरी EGR कूलर नहीं है, ऑयल कूलर बोला जाता है एक्चुअली। EGR कूलर इसके बिल्कुल नीचे मिलेगा, यहाँ पर ये EGR है ना, इसके बिल्कुल नीचे की तरफ वो EGR कूलर होता है, ठीक है। तो एक ये हो गया कूलर, ये कूलर जब अंदर से ख़राब हो जाता है, मतलब दो लेयर होती हैं, अगर एक दोनों लेयर, एक लेयर में इंजन ऑयल चलता है, एक लेयर में कूलेंट चलता है, ठीक है। एंड जैसे ही वो लेयर डैमेज हुई तो दोनों मिक्स हो जाते हैं, इंजन ऑयल इसके अंदर दिखने लगता है, ठीक है। इसकी वीडियो डाली है मैंने निसान टेरानो की, तो उसका लिंक मैं डाल दूँगा, आप देख लेना। तो अभी ये भी देख लिया, हो सकता है ऑयल कूलर का इशू है, बट ऑयल कूलर का इशू है तो गाड़ी स्टार्ट होगी, ठीक है। तो अभी हमें क्या करना है, अभी सबसे पहले हमें बैटरी की वोल्टेज चेक करनी है, बैटरी कितनी है, फिर उसके बाद सीधे सेल्फ को चेक करेंगे डायरेक्ट, ठीक है। एंड सेल्फ की क्या कंडीशन है, ठीक है, उसके बाद कंफर्म हो जाएगा। बैटरी की पहले कंडीशन देखेंगे, फिर सेल्फ को चेक करेंगे क्रैंकिंग करके, ठीक है। तो मैं मल्टीमीटर लेके आ गया हूँ। तो दोस्तों बैटरी की हेल्थ चेक करने के लिए मैंने मल्टीमीटर को 20 पे लगाया हुआ है, ठीक है, एंड 12.50 से वोल्टेज दिखा रही है। इसका जो कॉमन प्रोब है ये आपको ग्राउंड पे लगाना है एंड पॉजिटिव प्रोब है पॉजिटिव पे लगाना है। तो यहाँ कंफर्म हो गया बैटरी ओके है, बैटरी में करंट भी ठीक है एंड प्रॉपर काम ये कर रही है। अभी क्रैंकिंग करके देखेंगे यहाँ पर क्या वोल्टेज आ रहा है, क्या वोल्टेज शो कर रहा है। बैटरी क्रैंकिंग करते टाइम डाउन तो नहीं हो जा रही है, ये चीज़ चेक करना भी बहुत ज़रूरी है। तो अभी कराते हैं क्रैंकिंग, क्रैंकिंग करो, ठीक है, क्रैंकिंग भी हो रही है बट इंजन के अंदर कोई इम्प्रूवमेंट नहीं हो रहा है। यहाँ पर एक बार और करो, ये देखिए क्रैंकिंग करने के बाद वोल्टेज डाउन तो हो रहा है, ठीक है, मतलब रीडिंग चेंज हो रही है। इसका मतलब हो सकता है सेल्फ में इशू है गाड़ी के। अभी क्या करेंगे, मल्टीमीटर से सेल्फ भी चेक करेंगे, सेल्फ ख़राब तो नहीं है। अगर यहाँ पर सप्लाई आ गया इसके प्रॉप पे तो कन्फर्म हो जाएगा सेल्फ का इशू है, सेल्फ डल जाएगा, गाड़ी स्टार्ट हो जाएगी। तो अभी हमें करना है फ्रेंड्स इसका सेल्फ को चेक, सेल्फ तक सप्लाई जा रही है कि नहीं जा रही है। तो इसके लिए भी हमें सिंपल जो सेम हमने प्रोसेस बैटरी के लिए किया था ऐसा ही इसकी प्रॉब 20 पे रखनी है। एंड ये माइनस आप देख रहे हो इसमें जो ब्लिंक कर रहा है, ये बैटरी वीक होने की वजह से होता है। आपकी गाड़ी आपके मल्टीमीटर में अगर ऐसा इशू हो तो आप सेल चेंज कर सकते हैं, अगर बैटरी है तो बैटरी चेंज कर सकते हैं, माइनस आएगा नहीं, मतलब बैटरी डाउन होने का सिंबल दिखा रहा है, ठीक है। तो आपको 20 पे रखना है, मतलब वोल्टेज पे, एंड कॉमन वायर जो ग्राउंड वाली वायर है ग्राउंड पे लगा के रखना है एंड
ये जो पॉजिटिव वायर है ये आपको सेल्फ के पॉजिटिव जहां पर 12 वोल्ट आती है, मतलब मेन वायर आती है, उस पर आपको लगा के रखना है, ठीक है, यहां पर। एंड अब आपको क्रैंकिंग करानी है, जा क्रैंकिंग करियो एक बार। ये देखिए यहां पर भी सप्लाई आ रही है, ठीक है, क्रैंकिंग करो, ठीक है। अभी देखिए क्रैंकिंग कर रहा है, ऑफ करके ऑन करो, बंद करके दोबारा, ठीक है, ये देखिए बंद है। एंड अभी क्रैंकिंग करेंगे, क्रैंकिंग करो, सेल्फ मारो भाई, ये देखिए, ठीक है, यानी रीडिंग्स चेंज हो रही हैं, यहाँ तक सप्लाई इसमें आ रही है। तो इसके सेल्फ में इशू आ गया है फ्रेंड्स, एंड इसका सेल्फ खुलेगा, खुलने के बाद ये गाड़ी रिपेयर हो सकता है, अगर रिपेयर कराने का कस्टमर रिपेयर कराने के लिए कहते हैं तो रिपेयर हो जाता है, बट डीलर पे रिपेयर नहीं होता है, सेल्फ चेंज ही होता है। तो इससे कंफर्म हो गया, स्टेप बाय स्टेप हम चले। अगर आपकी गाड़ी में ऐसा इशू आ जाता है तो आपको पहले बैटरी की हेल्थ चेक करनी है, अगर इंजन बिल्कुल भी कोई भी एक्टिविटी नहीं करता है, आपको पहले बैटरी की हेल्थ चेक करनी है। 50% चांसेस बैटरी की वजह से ऐसे आ जाते हैं जो इंजन कोई भी एक्टिविटी नहीं दिखाता है। बैटरी की हेल्थ हमने चेक की, उसके बाद अगला स्टेप आता है सेल्फ का, सेल्फ हमने देख लिया, ठीक है। अभी सेल्फ में इसके पॉजिटिव वायर पर करंट आ रहा था, वोल्टेज भी मैंने आपको दिखाई थी, तो यहाँ पर सप्लाई प्रॉपर है क्रैंकिंग के टाइम पर भी, तो इसके सेल्फ में इशू आ गया, सेल्फ रिप्लेस हो जाएगा एंड गाड़ी स्टार्ट हो जाएगी। जब सेल्फ रिप्लेस होगा तो उसकी वीडियो भी मैं आपको दूंगा, बट इस डायग्नोसिस के अकॉर्डिंग इस गाड़ी का सेल्फ ख़राब है, सेल्फ चेंज होगा एंड गाड़ी स्टार्ट हो जाएगी। अभी मेन चीज़ मैं आपको बताता हूँ, कभी कभी होता क्या है, अगर लगता है आपको कि आपकी गाड़ी का सेल्फ हर दूसरे तीसरे हर 6 महीने बाद रिप्लेस हो रहा है, ठीक है, तो आपको अपनी गाड़ी के इग्निशियन लॉक को भी चेक करना पड़ेगा। उस कंडीशन में होता क्या है, मैं आपको लॉक के ऊपर ही जाकर दिखाता हूँ। गाड़ी का जो इग्निशियन लॉक होता है, जब हम क्रैंकिंग कर देते हैं, ऐसे क्रैंकिंग करके छोड़ देते हैं, तो बहुत सारे कुछ लॉक्स वो की जो होती हैं, बैरल जो होते हैं, वो चाबी को वापस से ऐसे नहीं भेज पाते, मतलब वो स्टक हो जाते हैं। उस कंडीशन में क्या रहता है, जब वो स्टक रह जाता है तो वहाँ से डायरेक्ट सेल्फ पर सप्लाई कंटिन्यू जाती रहती है एंड गाड़ी तो स्टार्ट रहती है, बट एक टाइम ऐसा आता है 1-2 महीने बाद या 10 दिन बाद, होता क्या है, सप्लाई रेगुलर जाने की वजह से सेल्फ ख़राब हो जाता है गाड़ी का, एंड यही कारण होता है कि इग्निशियन लॉक की वजह से बार बार हर दूसरे तीसरे महीने में सेल्फ ख़राब होने के इशू आते रहते हैं गाड़ियों के अंदर। तो अगर ऐसा आपकी गाड़ी के अंदर इशू आ रहा है तो आप अपनी गाड़ी का इग्निशियन लॉक या स्टीयरिंग लॉक को भी चेंज कराएं। तो दोस्तों यही था इस वीडियो में, मेरी वीडियोज़ को लाइक करने के लिए, चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।